लेट अस सी एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलीनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजंस फॉर योर आंसर। कह रहा है कौन सा एक्सप्रेशन पॉलीनोमियल है वन वेरिएबल का और कौन सा नहीं, स्टेट रीजन, आपको रीजन भी बताना है अपने आंसर का। तो देखिए पहला पार्ट है 4x² - 3x + 7। मैंने बताया था कोई भी एक्सप्रेशन पॉलीनोमियल तभी होगा जब वेरिएबल की पावर होल नंबर में हो। यदि वेरिएबल की पावर होल नंबर में नहीं है तो वो पॉलीनोमियल नहीं है। यानी आपको देखना है वेरिएबल को, वेरिएबल का मतलब अल्फा बेट जो लेटर होता है, लेटर को देखना है, ठीक है ना। यानी यदि वेरिएबल की पावर होल नंबर में है, होल नंबर का मतलब 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे में पावर है तो वो पॉलीनोमियल है, अदरवाइज नहीं है। तो आप इसको कैसे लिखेंगे आइए मैं बताता हूँ। तो देखिए पहला पार्ट है 4x² - 3x + 7। यहाँ देखिए वेरिएबल एक्स है और इसकी पावर 2 है और ये होल नंबर है, सही है। यहाँ वेरिएबल एक्स है इसका पावर 1 है और यहाँ पर देखिए वेरिएबल नहीं है इसका मतलब वेरिएबल की पावर 0 है, यानी एक्स की पावर 0 छिपा हुआ है, क्योंकि एक्स की पावर 0 का वैल्यू होता है 1, 7 1 7 होता है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं इसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर में है, इसका मतलब ये पॉलीनोमियल है। तो आप लिखेंगे यस इट इज अ पॉलीनोमियल इन वन वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पर देखिए कितने वेरिएबल हैं, एक ही वेरिएबल है ना, एक्स का ही तो यूज हुआ है। तो आप लिखेंगे यस इट इज अ पॉलीनोमियल इन वन वेरिएबल बिकॉज हियर द एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल, यानी वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट है यानी जो पावर है इज अ होल नंबर, वो एक होल नंबर है, ओके। अब आइए सेकेंड पार्ट पर चलते हैं। तो देखिए सेकेंड पार्ट है y² + √2। तो यहाँ वेरिएबल y है और y की पावर होल नंबर में है, जिसका मतलब ये भी पॉलीनोमियल है। तो आप लिखेंगे यस इट इज अ पॉलीनोमियल इन वन वेरिएबल, क्योंकि एक ही वेरिएबल है y, बिकॉज हियर द एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इज अ होल नंबर, यहाँ वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट है, जो पावर है, वो होल नंबर में है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट इसका है 3√t + √2। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर लिखा है 3√t, यानी t जो है वो अंडर रूट में है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो होगा t की पावर 1/2। देखिए जब रूट टी को आप सॉल्व करेंगे तो होगा t^(1/2), ठीक है। तो इसका मतलब 1/2 जो है वो तो होल नंबर होता नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये पॉलीनोमियल नहीं है। तो आप लिखेंगे नो इट इज नॉट ए पॉलीनोमियल बिकॉज इन फर्स्ट टर्म, ये पहला टर्म है, द एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इज नॉट ए होल नंबर, ओके क्लियर। आइए फोर्थ पार्ट देखते हैं। तो पार्ट 4 है y + 2/y। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर देखिए वेरिएबल y है और इसका पावर होल नंबर में है क्योंकि 1 है, लेकिन यहाँ पर देखिए सेकेंड टर्म में 2/y है, y जो है डिनोमिनेटर में है और इसको हम सॉल्व करेंगे तो होगा y^(-1), यानी 2/y को आप सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 2y^-1। तो इसका मतलब -1 तो होल नंबर होता नहीं है। तो इसमें लिखेंगे नो इट इज नॉट अ पॉलीनोमियल बिकॉज इन सेकेंड टर्म, ये सेकेंड टर्म है, द एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इज नॉट ए होल नंबर, ओके। तो आइए अब पार्ट 5 को देखते हैं। तो देखिए पार्ट 5 है x^(10 + y^(3 + t^50। यहाँ पर वेरिएबल देखिए एक्स है, वाई है, टी है, इसका मतलब इसमें 3 वेरिएबल हैं, एक एक्स है और दूसरा वाई और तीसरा टी, और देखिए सब की पावर होल नंबर में है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये पॉलीनोमियल है। आप लिखेंगे यस इट इज अ पॉलीनोमियल इन 3 वेरिएबल, यस हाँ ये पॉलीनोमियल है और कितने वेरिएबल में है, 3 वेरिएबल में, क्यों, बिकॉज इन ईच टर्म द एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इज ए होल नंबर, क्योंकि सभी टर्म में वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट है, जो पावर है, वो होल नंबर में है, ओके इट्स क्लियर। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी हमें नीचे की एक्सप्रेशन में कोएफिशिएंट ऑफ x² निकालना है, यानी x² का गुणांक निकालना है। तो देखिए यहाँ पर x² और इसका कोएफिशिएंट क्या है, 1, 1 × 2 में है, छिपा हुआ है, तो इसका मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x² = क्या होगा, 1 होगा। और यहाँ देखिए x², यहाँ पर आगे माइनस का साइन है, तो इसका मतलब इसका कोएफिशिएंट -1 है। तो आप लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x² = -1। और यहाँ पर देखिए थर्ड में x² का कोएफिशिएंट क्या है, π/2,
हमें केवल यक्स स्क्वायर का कोफिशियंट देखना है, यक्स का नहीं। तो यक्स स्क्वायर का कोफिशियंट क्या है, पाई बाय टू। तो आप लिखेंगे कोफिशियंट ऑफ यक्स स्क्वायर इक्वल टू पाई बाय टू। ओके, और यहाँ पर देखिए फोर्थ में यक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो इसका मतलब कोफिशियंट ऑफ यक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो होगा। ओके, तो इसके लिखने का मेथड जान लीजिए। तो देखिए क्वेश्चन है टू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, आप ऐसे लिखेंगे कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू, देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट क्या है वन, तो इक्वल टू वन, ये आपका क्या है आंसर है। इसी तरीके से सेकंड में क्या लिखेंगे, कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन, क्योंकि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है माइनस वन है, क्योंकि माइनस का साइन लगा हुआ है। ठीक है, अगर प्लस का साइन होता तो प्लस वन होता। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे कोफिशियंट एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन। ठीक है, अब थर्ड देखते हैं, थर्ड है पाई बाई टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो इसमें लिखेंगे एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है पाई बाई टू, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू पाई बाई टू। और फोर्थ में देखिए एक्स स्क्वायर है ही नहीं, एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं है, तो लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो। ठीक है, ऐसे ही लिखा जाता है। ओके, इट्स क्लियर।